या देवी सर्वभूतेषु मा चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है। भक्तों में मान्यता है कि माँ के इस रूप के दर्शन पूजन से नर्क से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। नवरात्र में माँ के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आज हम आपको इसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही इनकी आराधना कैसे की जाए वो भी बताएंगे। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना का विधान है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ है, एक हाथ में खड़ग और अन्य में अस्त्र शस्त्र से विभूषित इनकी महिमा है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। उनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस तक कांपते रहते हैं। कैसे करें पूजा? नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधिव्यान से इस मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद चंद्रघंटा माँ को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें, अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती का गान करें। माँ चंद्रघंटा को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं। घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल और नगाड़े बजाकर पूजा और आरती भी करें। शत्रुओं की हार होगी। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे हर तरह के दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। पूजा का महत्व। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। देवी के आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है और सच्चे मन से पूजा करने पर माँ चंद्रघंटा सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। वाराणसी से लाइव वीनस के लिए सौम्या चौरसिया की रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।